मोदी सरकार अपने पहले कार्यकाल में कई अहम बिलों को पास करवाना चाहती थी, मगर विपक्ष के विरोध के चलते पार्टी ऐसा नहीं कर सकी। ऐसे में अब सत्ता में दोबारा लौटने के बाद सरकार तीन तलाक समेत कई अध्यादेशों को कानून का रूप देना चाहती है। इसके लिए सरकार ने अभी से विपक्ष पर निशाना लगाना शुरू कर दिया है और इसके मद्देनजर आज मोदी के मंत्री यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी से मिले। 17वीं लोकसभा का पहला संसदीय सत्र 17 जून से शुरू होने जा रहा है। 26 जुलाई तक चलने वाले इस सत्र में मोदी सरकार जहां 5 जुलाई को अपना बजट पेश करेगी, तो वहीं पिछले कार्यकाल में अटके अध्यादेशों को पास कराने पर भी सरकार की नजर है। इसके लिए सरकार ने अभी से रणनीति बनानी शुरू कर दी है, जिसके मद्देनजर मोदी के मंत्री लगातार विपक्षी नेताओं को मनाने में जुटे हैं। इसके तहत आज मोदी सरकार में मंत्री नरेंद्र तोमर और संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी से मिलने पहुंचे, जहां उन्होंने उनका साथ मांगा। वैसे सोनिया गांधी से पहले प्रहलाद जोशी ने राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद से भी मुलाकात की थी। दरअसल 40 दिनों तक चलने वाला ये सत्र सरकार के लिए काफी अहम है, क्योंकि पहले सत्र में सरकार 10 अध्यादेशों को कानून में बदलने की योजना पर काम कर रही है। सरकार इस सत्र में ट्रिपल तलाक, इंडियन मेडिकल काउंसिल अध्यादेश, कंपनी अध्यादेश, गैर नियोजित जमा योजना पर प्रतिबंध लगाने वाले अध्यादेश, आधार व अन्य अध्यादेश, नई दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर अध्यादेश और केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान अध्यादेश को पास कराना चाहती है और इसीलिए सरकार के मंत्री विपक्ष नेताओं से मुलाकात कर सहयोग मांग रहे हैं। बताया जा रहा है कि विपक्षी दलों के नेताओं के साथ हुई मुलाकात में उन्होंने सरकार के सहयोग की बात कही है, मगर संसद में विरोधियों का रुख क्या रहता है ये देखना दिलचस्प होगा। डीबी लाइव की रिपोर्ट।